आगे हमें बताया गया कि एक मकान आता है, उस मकान से पहले और जहां से मैं अभी दोस्तों ऑफ कैमरा भी हम राउंड लगा के गए थे मगर कोई चीज नजर नहीं आई। हाँ मेरी नजर सामने थी लेकिन है ना ऐसा लगा मुझे कैमरे में शायद कुछ कैप्चर हुआ मेरी नजर है ना। ये तो कुत्ता है यार, देख ये तो कुत्ता है। अरे बेटा पहले मैंने यहाँ की शूट स्टार्ट नहीं करी थी तो बार बार में गाड़ी जरूर स्लिप हो रही है यहाँ पे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जितेंद्र मारोठिया में। तो आज की जो लोकेशन बताने के पहले, जानकारी देने के पहले, मैं उन लोगों का शुक्रिया करना चाहता हूँ जो इस मुश्किल घड़ी के अंदर मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। कहते हैं कि यार जब मुश्किल घड़ी आती है तो अच्छे अच्छे अपने भी साथ छोड़ के चले जाते हैं, मगर कुछ लोग हैं मेरी नज़र के अंदर जो बहुत दिनों से मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। सीमा देवी नाम से एक मेरी दीदी है जो पिछले 2 या 3 सालों से मुझे लगभग वो बहुत सपोर्ट कर रही है और इस समय मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सपोर्ट की। इस समय भी और जब मेरा अच्छा टाइम था उस समय भी मुझे सपोर्ट कर रही है वो। इसलिए मैं सीमा दीदी, मैं प्लीज़ ऐसे सपोर्ट करते रहिए और आपके आसपास जो भी हैं उनको भी कहिए कि मुझे सपोर्ट करें ताकि मेरी हिम्मत ऐसे बनी रहे। तो यार ये आईडी है जो मैं मेंशन कर रहा हूँ, एक बार आईडी देख लेना यहाँ पे। ये दीदी है जो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है और अच्छे अच्छे कमेंट भी करती है, तो इससे इस कमेंट के कारण मेरी थोड़ी हिम्मत बढ़ जाती है। तो आज की जो लोकेशन है उसके बारे में बताते हैं। यहाँ से आप बिल्कुल कच्ची रोड देख रहे होंगे, आप यहाँ से जाने के बाद में एक प्रताप नगर नाम से एक छोटा सा गाँव है, एक कस्बा है जहाँ पे एक रोड जाती है। आज के सही 3 या 4 महीने पहले वो रोड बनाई गई थी मगर उस रोड के ऊपर अभी हाल में कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं कि उस रोड पे कोई जाना नहीं चाहता है। मुझे ये कहानी यहीं के लोकल ने बताई है कि यहाँ पे जितेंद्र भैया एक बार आओ और आप विजिट करो, इस रोड के ऊपर शाम के टाइम में 8 बजे बाद में भी कोई आता ना जाता है यहाँ पे, क्योंकि जो भी यहाँ पे रात को निकला है उनका ये कहना है कि यहाँ पे एक स्प्रिट नजर आती है किसी लेडी की। और अभी तक जब मैंने बात करने के बाद में जो कहानी पूछी यहाँ की कि इसके पीछे की वजह क्या है, कोई ऐसा एक्सीडेंट हुआ है या फिर कोई ऐसी वाक्य यहाँ पे हुआ है जिसके कारण वो आत्मा यहाँ पर नजर आती है, तो लोगों का यह कहना है कि हमारी नज़र में कोई भी ऐसा वाक्य नहीं है जिसके कारण यहाँ पे ये जगह हॉन्टेड बन गई है। मगर कोई भी स्प्रिट अगर कहीं पे भी नजर आती है तो उसके पीछे की कुछ ना कुछ कहानी जरूर होती है। तो आज शाम को मैं यहाँ पे पहुँचा था और इस लोकेशन को विजिट करने के लिए निकल रहा हूँ। मैं यहाँ पे अगर इस रोड के ऊपर अगर कोई भी चीज़ मुझे नज़र आएगी तो जब तक मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं जब तक उसके पीछे की जो वजह है वो जान ना लूँ। तो चलते हैं सीधा इस रोड के ऊपर और देखते हैं कि वो स्प्रिट हमें भी नज़र आती है या नहीं आती है। दोस्तों रोड का नया बनना और नया बनने के बाद में भी लोगों का ना निकलना ये बहुत बड़ी बात है। वो रोड भी अभी मैं दिखाने वाला हूँ, यहाँ से करीबन आधा से पौन किलोमीटर की रोड बिल्कुल कच्ची आएगी। उसके बाद में रोड बनने के बाद में वहाँ काम रुक गया था मगर जहाँ काम रोका गया था वहाँ तक वो कंप्लीट हो चुकी थी। तो अब देखते हैं इस लोकेशन के ऊपर कि वास्तव में कोई ऐसी चीज है या नहीं है। तो दोस्तों यार प्लीज़ जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही आपकी भाई की हिम्मत बढ़ाते रहे और एक प्यारा सा कमेंट जय श्री राम का जरूर कर देना। चले राजन भाई। ओके भैया, जस्ट दोस्तों कैमरा ऑन कर दिया है और इसी रोड के ऊपर आगे जाके हमें बताया गया कि एक मकान आता है, उस मकान से पहले और जहाँ से मैं अभी स्टार्ट हुआ हूँ इसके बीच सेंटर के अंदर ही मतलब वो चीज़ नज़र आती है। और हालात ये हो गए हैं कि कोई भी गांव वाला मतलब अब इस रास्ते पे आना नहीं चाहता है रात को 8 बजे बाद में, और जो मेरा अभी समय है वो 11:30 बजे के आसपास है। और देखते हैं कि यहाँ पे आधा एक घंटा घूमेंगे अगर कोई चीज़ नज़र आएगी तो ये वीडियो अपलोड हो जाएगी दोस्तों। और अभी तक फिलहाल मैं करीबन कैमरा स्टार्ट करा है मगर मैं 1 किलोमीटर इस रोड के ऊपर आगे आ चुका हूँ, मुझे कोई भी ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई है और शायद जो मकान हमें बोला गया है वो मकान भी आ चुका है दोस्तों।
बाकी राजन भाई एक बात है, रोड बहुत ज्यादा सुनसान है, हो सकता है कि कई बार क्या होता है कि कोई जानवर वगैरह भी निकलता है ना तो रात के अंधेरे में अचानक लोग डर जाते हैं, तो हो सकता है ऐसा कोई अफवाह वगैरह हो यहाँ पे, हो सकता है, ये भी हो सकता है। चलो एक लास्ट ट्राई करते हैं, नहीं तो फिर अपन निकल चलेंगे। और यार दोस्तों अगर कोई चीज अगर कैप्चर होती है तो वीडियो अपलोड जरूर होगी, बाकी हमारा केवल मकसद यही रहता है कि कोई चीज अगर कैप्चर होती है तो वो करके जरूर आपको दिखाएं। भैया भैया गाड़ी रोको, भैया गाड़ी रोको। क्या हुआ भैया? क्या हुआ? मैंने पीछे कुछ देखा अभी, कुछ कैमरे में एकदम से नजर पड़ी मेरी। हाँ मैंने कुछ पीछे देखा भैया, मैंने ना अभी कुछ है ना पीछे कुछ ऐसे नजर आया मुझे, मैं ध्यान नहीं दे पाया, मेरी नजर सामने थी। हाँ मेरी नजर सामने थी लेकिन है ना ऐसा लगा मुझे कैमरे में शायद कुछ कैप्चर हुआ, मेरी नजर है ना बिल्कुल सामने थी बस। किस जगह मेरी नजर है ना सामने थी? रोड पे, यहीं पे, यहीं पे भैया कुछ नजर आया शायद, यहीं ऐसा लगा जैसे कोई खड़ा था जैसे कुछ। दोस्तों आप साउंड भी सुन रहे होंगे, रोड यही बताई है हमें, पीछे की तरफ साउंड आ रहा होगा आपको और सामने लाइटें भी दिख रही है, मगर रोड बहुत ज्यादा खतरनाक है लोगों का ये कहना है। और राजन भाई ये बोल रहे हैं कि इनको कोई चीज नजर आई है। दोस्तों अभी मुझे ऐसा कुछ एहसास हुआ, एकदम से मेरी नजर पड़ी कैमरे के ऊपर क्योंकि मेरी नजर सामने थी रोड पे, लेकिन एकदम से जैसे कैमरे पे नजर पड़ी ना मुझे ऐसा कुछ डाउट हुआ जैसे यहाँ पे कुछ शायद कुछ स्प्रिट मुझे ऐसा कुछ नजर आया, पता नहीं दोस्तों मैं कंफर्म नहीं हूँ क्योंकि मेरा ध्यान सामने की तरफ था। इसकी रिकॉर्डिंग चेक करूंगा, अगर इसमें कुछ नजर आया होगा तो मैं ये वीडियो अपलोड कर दूंगा। बाकी यार कमेंट करना कि वास्तव में कोई चीज नजर आई क्या। आजाओ आजाओ, टाइम मत खराब करो, हो सकता है तुम्हारा बहम हो। ऐसा कुछ अगर देखो नजर आया होगा ना तो भाई आगे और भी हो सकता है, और भी नजर आए, ठीक है ना यार। एक बार बता, देख तो मैं भी रहा था, मुझे क्यों चीज नहीं दिखी फिर? भैया मुझे अचानक से एकदम से ना सामने नजर थी मेरी, अगर मैंने एकदम से इसे कैमरे पर नजर पड़ी तो मुझे ऐसा कुछ लगा जैसे कैमरे में कुछ कैप्चर हुआ, रियल में था कुछ, पता नहीं भैया, हो सकता है इंसिडेंट हो या मेरा कोई बहम हो सकता है यार मैं श्योर नहीं हूँ दोस्तों कि राजन को दिखी नहीं दिखी, मेरी गारंटी नहीं है, बाकी मैं श्योर नहीं हूँ दोस्तों क्योंकि मेरा ध्यान था सामने की तरफ और राजन भाई को क्या चीज़ दिखी है कंफर्म नहीं है, और देखना पड़ेगा, वीडियो भी चेक करेंगे, वीडियो को अगर कुछ ऐसा होगा तो देखते हैं। बाकी हालात बहुत बुरे हैं, हालात इतने ख़राब है कि इस रोड के ऊपर 8 बजे बाद भी कोई ना तो आता है ना जाता है यहाँ से। सामने तो यार बिल्कुल देखो हालत, देखो एक बार वास्तव में बहुत ज़्यादा खौफनाक है यार भाई, सामने एक पहाड़ भी है देख यार, अजब कुछ भी नजर नहीं आ रहा। हाँ यार, अब यार बताओ दोस्तों ऐसी रोड पे कौन आना चाहेगा? हो सकता है डेवलपमेंट हो जाता मगर जो यहाँ की कहानी है उसके हिसाब से कोई रहना नहीं चाहता हो, या हो सकता है कि यहाँ आना ही नहीं चाहता हो। भाई 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 भाई, भाई, भाई सामने कैमरा करना एक बार इस तरफ, हाँ इस तरफ देखना एक बार यार, अजीब सी चीज मुझे नजर आई थी इस साइड में। तेरा ध्यान था क्या इधर? ये मेरे सामने ध्यान था कैमरा, पता नहीं यार बहम है या कुछ छला हुआ है क्या है यार, ऐसा लगा कि इस साइड में इस पेड़ के आगे की तरफ में कोई चीज खड़ी है मुझे लगा यार। आगे चलते हैं भाई, पता नहीं यार अजीब सा लगा था मुझे। यार दोस्तों प्लीज आपसे एक हाथ जोड़ के निवेदन है, छोटे भाई की रिक्वेस्ट है कि अगर कोई भी चीज
प्लीज नजर आए अगर आपको तो प्लीज कमेंट करना, क्योंकि हमारा ध्यान बिल्कुल सामने की तरफ है। हो सकता है कैमरा 90 डिग्री तक शूट नहीं कर रहा है, मगर फिर भी बहुत ज्यादा रोड कवर कर रहा है ये, क्योंकि कमेंट एक ऐसी चीज है जिससे करने से हमें पता लगता है कि आप कितने गौर करके वीडियो देख रहे हो। क्योंकि मैंने ये नोटिस करा है दोस्तों कि जब वीडियो देखते हैं ना, जब 15 मिनट 20 मिनट की जो वीडियो होती है जो हम शूट करके डालते हैं, उसके अंदर व्यू ड्यूरेशन आता है 6 मिनट 7 मिनट, कई वीडियो का 5 मिनट ही आता है। तो कई बार क्या होता है कि आप वीडियो जब स्किप करते हो तो वो जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वीडियो का वो मिस कर जाता है। फिर आप कमेंट करते हो कि यार जितेंद्र भैया ऐसे जितेंद्र भैया ऐसे। तो मैं केवल आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ भाई के नाते कि आप प्लीज वीडियो को कभी भी स्किप ना करें। मुझे कुछ चीज नजर आई उधर, कहाँ पे? एक सेकंड, कहाँ पे? कहाँ पे? ऐसा लगा मुझे कुछ था। ये तो कुत्ता है यार, देख ये तो कुत्ता है। आये बेटा, ऐसा लग रहा है जैसे जाने से रोक रहा हो यार इस तरफ। हाँ, ये कुत्ता ऐसे भोंक रहा है जैसे कोई चेतावनी देना चाहता हो। ज़्यादा दूर नहीं है अब तो, उसी रास्ते के ऊपर निकलते हैं। मुझे नहीं लगता है कोई चीज़ इस रास्ते के अंदर हमें मिलने वाली है। और रही बात राजन भाई की कि इनको कोई चीज़ नज़र आई, तो देखो अभी कंफर्म नहीं है। मैं अगर रिकॉर्डिंग चेक करूँगा, अगर कुछ होगा इसके अंदर तो मैं ये वीडियो अपलोड कर दूँगा। दोस्तों ये रोड वहाँ से वहाँ जाके लास्ट हो जाती है, मतलब उसके आगे कुछ भी नहीं है, कच्चा है बिल्कुल। और हम आए थे इस तरफ से, भाई दिखा दे एक बार, यहाँ से मैंने इंट्रो स्टार्ट कर रहा था दोस्तों, वो लोकेशन पड़ती है इस तरफ। और यहाँ से करीबन 1.5-2 किलोमीटर जाने के बाद में फिर यहाँ से इस गांव से बिल्कुल आउट हो जाएंगे हम। यार दोस्तों अब देखते हैं ये वीडियो अपलोड करने के लायक होगी तो ज़रूर अपलोड होगी। बाकी अपना प्यार बनाए रखें। और दोस्तों एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ कि जिस रास्ते से मैं आया था वो रास्ता इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये रास्ता भी मतलब इतना ज़्यादा खतरनाक है और सुनसान है और कच्चा है। मेन बात तो आप यहाँ पे मिट्टी भी देख सकते हो कि इतनी ज़्यादा है कि मैं गाड़ी को स्पीड से भी नहीं चला सकता हूँ, इसलिए पहले मैंने यहाँ की शूट स्टार्ट नहीं करी थी। और बार बार मैं गाड़ी ज़रूर स्लिप हो रही है यहाँ पे। बाकी आप रास्ता देखो एक बार कितना ज़्यादा खतरनाक और हॉरेबल है ये। क्या राजन भाई? हाँ भैया, मिट्टी देखो यार यहाँ की। आगे दोस्तों आप रास्ता देखो एक बार और जंगल देखो कितना ज्यादा खतरनाक है अभी। होता है दोस्तों कई बार ऐसा होता है, हम लोकेशन विजिट करने जाते हैं तो ऐसा ही सब कुछ होता है कि कोई चीज़ सामने नहीं आती है, कोई रिकॉर्ड नहीं हो पाती है। तो आज वही चीज़ हुई, इस रास्ते के अंदर हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आई। और रही बात राजन भाई की तो मैं ये रिकॉर्डिंग चेक करूँगा, अगर कुछ ऐसा होगा तो ये वीडियो ज़रूर अपलोड कर दूँगा। बाकी एक बात कहता हूँ यार दोस्तों, ऊँच नीच ज़िंदगी में चली आती है और हर इंसान का बुरा समय भी आता है। और आपको मालूम है कि कुछ महीने मेरे पिछले ऐसे निकले हैं कि कई लोग मेरे खिलाफ़ हो गए और मेरे चैनल यूट्यूब चैनल जितेंद्र मारोटिया को ख़त्म करने की पूरी साजिश रची गई थी, उसमें वो कामयाब नहीं हो सके।
उसका रीजन था दोस्तों आप। आप लोगों ने उस बुरे समय में मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करा है कि मैं एक बार को तो मैंने ये सोच लिया था कि मैं अपना चैनल बंद कर दूं, मगर जब आप लोगों के कमेंट आए और आप लोगों के जब जय श्री राम के कमेंट आते हैं मोटिवेट करने के लिए, इतने प्यारे प्यारे जब कमेंट आते हैं ना दोस्तों, तो मैं चाहकर भी ये यूट्यूब चैनल बंद नहीं कर पाया। और इसका इफेक्ट सबसे ज़्यादा किन लोगों पर पड़ा है वो इफेक्ट आप सबको पता है कि वो इफेक्ट आ रहा है उन लोगों पर जिन्होंने मुझे बर्बाद करने की ठान रखी थी, एक कसर नहीं छोड़ी थी उन्होंने। और एक चीज़ और बोलता हूँ यार दोस्तों, कुछ महापुरुष ऐसे हैं, नाम नहीं लूंगा, दो महापुरुष ऐसे हैं, शायद प्रेमानंद जी को उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। उनका ये कहना है कि कर्म जो होते हैं वो लौट के जरूर आते हैं, मगर उन्होंने ये जब बात बोली तो उन्होंने सोचा नहीं था कि मैं श्री राम का भक्त हूँ। और अगर मैंने गलत कर्म कराए या गलत किसी के साथ कराए या गलत किसी को धोखा दिया है तो उसकी सजा यहाँ का यहीं मुझे भुगतना है, मगर उन्होंने ये बोलते समय एक मिनट भी नहीं सोचा कि वो पब्लिक को कितना बेवकूफ़ बना रहा है, कितना झूठ बोल रहे हैं। तो वो मैं ये कहता हूँ कि भगवान जो उन्होंने बोला है वो ज़रूर दिखाना, जिसके कर्म अगर ख़राब है, अगर किसी ने धोखा दिया है तो मैं कहता हूँ भगवान उनको बख्शना मत। अगर मैंने किसी के साथ में गलत करा है तो भगवान मेरे साथ में बुरा करना, मुझे बर्बाद कर देना और इस YouTube चैनल को बंद कराने की जो उन्होंने सोची थी, ये YouTube चैनल मेरा बंद हो जाए। मैं खुद दुआ करता हूँ भगवान से, अगर मैंने किसी भी ऑडियंस को धोखा दिया है तो मेरा YouTube चैनल बंद हो जाए, मैं खुद कहता हूँ। और अगर किसी दूसरे ने अगर कर्म ख़राब करें, किसी ने मेरे को बर्बाद करने की सोची है, तो मैं कहता हूँ भगवान श्री राम, भगवान अगर सच्चे दिल से मैंने आपका नाम लिया है तो छोड़ना मत किसी को भी। बस इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम दोस्तों।